हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिसकी हाई डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जापान पीआर को लेके, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस ऑफ जापान। मतलब जापान जो आते हैं उनका एक सपना होता है कि वो यहाँ का पीआर एटलीस्ट ले ले, तो वो लाइफ टाइम वीजा फ्री हो जाए और उसके जो फैमिली मेंबर हैं वो भी एटलीस्ट वीजा फ्री हो जाए। इसके लिए लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि जापान में पीआर उसे मिल जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपका फेवरेट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बिहाफ ऑफ जो इमिग्रेशन के जो लॉ होते हैं, जो रूल होते हैं, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। और ये पूरा का पूरा सजेशन मेरा जो इमिग्रेशन का टीम है वो, और जो मेरे लॉयर हैं जो खुद अप्लाई करते हैं सारे प्रोसेस को, उनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है। पूरी डिटेल से मैंने उसके साथ एक वीक बैठ के मैंने उसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है 2017 का, 2018 का जो लेटेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें से भी काफी रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पहले से काफी आसान कर दिया गया है यहाँ का पीआर को। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। जो लोग जापान में रह रहे हैं या फिर जो आके चाह रहे हैं कि वो पीआर ले लें जापान का, तो क्या प्रोसेस है उसके लिए, क्या डिफिकल्टी आएगी, है ना, कैसे कैसे क्या होगा, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप नए हो, अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, या यूरोप या फिर यूएसए, कहीं से भी अगर आप हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको ये सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो लोग जापान आ रहे हैं, मतलब आने वाले हैं, और वो अगर पीआर लेना चाहते हैं, या फिर पहले से जिसके पास जापान का वीजा है ऑलरेडी, वो जापान का पीआर लेना चाह रहे हैं लेकिन उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं दोनों से अपील करता हूं कि ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक पॉइंट को आपको सोचना है, समझना है, तब आपको पीआर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फॉर अप्लाई फॉर योर पीआर, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस। तो सबसे पहले दोस्तों आइए बात करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाए। सपोज आप इंडिया से आते हो जापान, और जापान में आने के बाद एक साल का आपका वीजा होता है, ठीक, या कभी कभी गवर्नमेंट के ऊपर होती है, कभी कभी आपको दो साल का भी वीजा मिल जाता है। यदि आपको दो साल का वीजा मिल जाए, तो जब आपकी सेकेंड ट्रिप आती है, मतलब जब आपका एक्सपायर होने वाला होता है, तो चार महीना पहले या तीन महीना पहले आपका एप्लीकेशन, री एप्लीकेशन फिर से दिया जाता है रिन्यू करने के लिए, वीजा को रिन्यू करने के लिए। तो जब आप वो एप्लीकेशन देते हैं तो आपको सेकेंड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ वो आपको मिल जाता है। देन जैसे ही सेकेंड पूरा होता है दोस्तों, यानी कि पूरा होने वाला होता है, यानी कि तीन साल छः महीने या सात महीने अगर आपके हो जाते हैं, या फिर तीन साल साढ़े तीन साल अगर हो जाते हैं, तीन साल छः महीने, तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यानी कि सेकेंड वीजा जब आपका स्टैम्प होता है, जब आपका रिन्यू होता है, तब आप पीआर के लिए अप्लाई एलिजिबल आप हो जाते हो पीआर करने के लिए। यानी कि चार साल तो चाहिए ही चाहिए होता है दोस्तों, किसी किसी कंडीशन में दो साल में भी हो जाता है। उसमें ऑप्शनल ये होता है कि आपका जो स्पाउस है वो जैपनीज होना चाहिए, या फिर आप फुल्ली प्रोफेशनल होना चाहिए, हाई स्किल्ड लेबर होना चाहिए आप, जैसे कि प्रोफेसर, डॉक्टर, अगर आप ये होते हो तो इजी वे पे मेरे ख्याल से दो या ढाई या तीन सालों में जो है हाईली प्रोफेशनल्स को जो है वो जल्दी पीआर मिल जाता है। लेकिन जो रेगुलर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी बैंक में काम करते हैं, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जो कि सेमी यू नो प्रोफेशनल में आता है, तो उसके लिए एटलीस्ट चार साल तो आपको स्पेंड करना पड़ता है। चार साल के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो। और मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्पाउस जैपनीज है तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है यहाँ पे अप्लाई करना पीआर। तो दोस्तों इसमें देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से 70 पॉइंट्स होते हैं जो आपको फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको 70 पॉइंट्स तो भी मैं आपको नहीं गिना पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में सारी चीजें समझा देता हूं कि आपके अंदर क्या निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है जापान में नहीं होना चाहिए। यदि आप जापान में ड्राइविंग करते हो तो आपने कभी रेड सिग्नल क्रॉस ना किया हो,
या कोई भी ट्रैफिक का जो है वो हाईली यू नो आप कह सकते हो कि रेड सिग्नल आपने जंप ना किया हो और काफी बड़ा एक्सीडेंट ना किया हो जिसकी वजह से आपको ब्लैक पॉइंट मिल जाए। तो ये दो चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका टैक्स प्रॉपर वे पे होना चाहिए, मतलब जब आपका टैक्स कटता है आपकी सैलरी से, आपके बैंक से जब डिटेक्ट होता है, तो एक प्रॉपर वे पे आपको एक टैक्स पेयर होना है यहाँ पे दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपका, मैंने आपको बता दिया कि क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जापान में। ट्रैफिक में आप बिल्कुल क्लीन होना चाहिए अगर आप ड्राइविंग करते हो तो। और इसके अलावा जो मेन बात है, मैं आपको बताना भूल गया कि जापान का पीआर दोस्तों, देखिए लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लीन रहना बहुत बड़ी बात है। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो एक प्रॉपर वे पे आप रहो, अच्छा बिहेवियर हो आपका, आप कोशिश ये करें कि आप जापनीज सीख जाएं तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर जापनीज नहीं सीखा तो आपको पीआर नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको विदाउट जापनीज सीखे हुए भी जो है आपको पीआर मिल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया जो मेन मेन पॉइंट है। इसके अलावा काफी और भी पॉइंट है, जैसे कि अगर आप यू नो फाइनेंशियली जो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप अपने पैसे को अच्छे से सेव करना चाह रहे हो तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और इन चार सालों में जो है अगर आपने कुछ अच्छा और भी बिजनेस करने का सोचा, जैसे कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि बिजनेस वीजा यहाँ का यू नो, तो ये उसके लिए थोड़ा कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर इंडियन मनी में कहा जाए तो 30-40 लाख रुपया आपको जो है एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास एक फंड है। तो उसमें भी चांसेस है कि बहुत जल्दी जो है आपको बिजनेस वीजा मिलने के बाद 2 या 3 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं जो गवर्नमेंट आपके ऊपर गौर करती है, लेकिन मेनली मैंने आपको बताया कि ये 3-4 पॉइंट जो मेन पॉइंट है इसको देखा जाता है, और छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसका कुछ वैल्यू नहीं रखता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप जापान आ रहे हो और आपने प्रिपरेशन करना है 2-3 सालों के अंदर ही, तो मैंने आपको बताया कि आपको एक लोकल लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देनी है। अगर आप मतलब फुल्ली अगर नहीं सीखते हो तो एटलीस्ट आपको लाइट वे पे आपको जापनीज सीखनी है, मतलब बेसिक जापनीज सीखनी है, एटलीस्ट आप किसी से बात कर पाओ तो वो थोड़ा ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं आपसे। इसके अलावा आपको जापान का जो है मतलब जापान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जापान में कहाँ कहाँ पे क्या है, कितने प्रीफेक्चर्स हैं, मतलब जापान का जो जीके है दोस्तों वो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जापान में टोटल कितने प्रीफेक्चर्स हैं, कितने बड़े बड़े सिटियां हैं यू नो, और हमारे कौन कौन से बॉर्डर शेयर होते हैं, कहाँ पे क्या है ना, अजूबे हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखना पड़ेगा जो कि पीआर के समय पे आपको लगेगा दोस्तों। पीआर के समय पे पीसीसी नहीं लगता, क्योंकि बहुत जैसे कनाडा वगैरह में है कि अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे पीसीसी लगता है, लेकिन जापान में पीआर के लिए कोई पीसीसी नहीं लगती। अगर आप दुबई, सऊदी, कतर, अमेरिका या फिर कहीं पे रहे हो तो आपको वहां से पीसीसी लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के लिए अगर आपने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपका पीसीसी भी लगेगा, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उस कंट्री से है जिस कंट्री में आप प्रीवियस रह चुके हो। तो फिलहाल पीआर के लिए नहीं चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी डिटेल्स, एक तो मैंने आपको बताया कि आपके पर बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपका, दूसरा आपका जो है ट्रैफिक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग, आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत लाइट आनी चाहिए, देन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जापान की, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन क्या है, आपको एटलीस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स जो है अगर आप लगातार पढ़ते रहें तो आपको काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो ये मेरे पीआर के बारे में छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। पीआर के बारे में और भी कुछ एडिशनल चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाय ईमेल दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपकी कुछ क्यूरी हो तो डोंट फॉरगेट टू सेंड टू अस योर मेल, योर मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आई विल रिप्लाई फॉर यू, दैट इज नो वरी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।